हे गाइस, आज हम इस वेस्ट बॉक्स से एक बहुत ही अच्छा क्राफ्ट करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले चाहिए हमें कोई भी वेस्ट बॉक्स, इतना बड़ा, पेंसिल, स्केल, सिज़र, ग्लू और कोई भी दो तरह के चार्ट पेपर। मैंने येलो एंड पिंक कलर के चार्ट पेपर लिए हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे इतनी लाइनिंग लगा देते हैं। यहाँ आपको जितना बड़ा बॉक्स चाहिए। अब हमने इसकी लाइनिंग लगा ली है यहाँ पे, देखो। और ये हमने चारों तरफ लाइनिंग लगा ली है, इसके आगे पीछे भी। तो अब हम ये वाला पार्ट कट कर देंगे। आप इस पार्ट को सीजर से भी कट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कटर यूज कर रही हूँ। हमने इसको कट कर लिया है और हमें इस जो बॉक्स है उसका नीचे वाला पार्ट चाहिए, ऊपर वाले पार्ट को हमें नहीं चाहिए। और अब मैं इसको येलो शू कलर का चार्ट है इससे कवर करने वाली हूँ। गाइस, अब हमने इसको डेकोरेट तो कर दिया है, बस सॉरी, इसको कवर तो कर दिया है, बस अब हम इसको डेकोरेट करेंगे। डेकोरेट हम बटरफ्लाई से करेंगे। तो उसके लिए हमने ये पिंक चार्ट का 4x8 cm का एक पेपर पीस लिया है, उसको हम हाफ फोल्ड करेंगे। एंड देन उस पे हम ऐसी शेप बना लेंगे और इस शेप को अब हम कट कर लेंगे। और ये देखो, ये हमारी बटरफ्लाई रेडी हो गई है। ऐसे मैंने 14 बटरफ्लाईज काटी है टोटल। अब हम ये बॉक्स लेंगे और जहाँ से हमने फोल्ड की थी ना, ये सेंटर से ये लाइन दिख रही है जहाँ से, यहाँ पे हम इसको ग्लू अप्लाई कर देंगे। ग्लू अप्लाई कर दिया और इसे हम ऐसे चिपका दें। ऐसे हमने चिपका दिए और ऐसे ही हम बाकी सारी की सारी चिपका देंगे, एक इस साइड और एक इसके पीछे वाली साइड, दोनों साइड। सो गाइस, हमने बटरफ्लाई से इसको डेकोरेट कर दिया। देखो ये कितना सुंदर लग रहा है। ये है हमारा बहुत ही ब्यूटीफुल सा अच्छा सा पेन स्टैंड जिसमें हम बहुत सारा सामान रख सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी जल्दी।